हेलो फ्रेंड्स, आज फिर आपके साथ मैं नई वीडियो के साथ फ्लोर पर आया हूँ। लग्जरी फ्लोर है, आप देख लो, पूरा एलिवेशन देख लो। सेक्टर 23 में खड़ा हूं मैं, सेक्टर 23 के अंदर 263 गज का फ्लोर है ये। चार फ्लोर बने हैं, 10 गाड़ी कार पार्किंग है, 10 गाड़ी की, दो दो गाड़ी का कार पार्किंग दे देंगे, दो विजिटर के लिए रेडी है। पूरी पार्किंग देख लो, मॉडुलर किचन बनाई हुई है। अभी मैं आपको एक फ्लोर दिखा रहा हूं, उसके अलावा 15 मीटर रोड पे भी मेरे पास है, 24 मीटर रोड पे प्लॉट है, ये 10 मीटर रोड के ऊपर प्लॉट है। आप चीज देख लो और उसके बाद मेरे से बात कर लेना, नीचे कमेंट्स में नंबर दिए होते हैं, जरूर मेरे से बात कर लेना। आज आपको दिखा देते हैं अल्ट्रा लग्जरी फ्लोर। अब देख लो, घुसते ही आपको दिखा दिया, घुसते ही झूमर लगा हुआ है। अब देख रहे हो ना, मतलब कि पहले ही आपको ऐसी चीज दिखा दी लग्जरी जो आपको देखनी थी, मतलब कि चाहिए थी आपको। पूरा ड्राइंग डाइनिंग। अब मैं खड़ा हूं यहां पे ड्राइंग के अंदर में। यहां पे आपका सोफा आना है जबरदस्त। अब उसके बाद आ जाते हैं मास्टर बेडरूम पे। मतलब कि बेडरूम ऐसा बनाया है ये, इसको मास्टर भी कह लो, वो वैसे भी कह सकते हो। वुडन फ्लोरिंग भी है, मतलब कि क्लास वुडन फ्लोरिंग है, हल्की वुडन फ्लोरिंग बिल्कुल भी नहीं है। कलर से आपको समझ गए होंगे किस तरह की फ्लोरिंग है। अब आपको मैं आपको दूसरा रूम दिखा देता हूं। आपको इसका टॉयलेट भी देख लो आप पहले, मतलब टॉयलेट का साइज एक्चुअल में साइज है, बड़ा साइज है। सैनिटरी फिटिंग लगाई नहीं है, थोड़ा सा चॉइस के लिए छोड़ दी है कि आप जैसा कहेंगे वैसे ही सैनिटरी फिटिंग लग जाएगी आपकी, इसलिए थोड़ा सा छोड़ दिया है। आपके वॉलरूफ इधर लगाए हुए हैं, देखो प्रॉपर वॉलरूफ है। और अब आपको दिखा देते हैं एक और बेडरूम। ये एक बेडरूम और देख लो आप, पूरी सीलिंग की हुई है, फैन लगे हुए हैं, वॉलरूफ पूरे हैं। उसके बाद में ये बेडरूम का साइज और देख लो आप, प्रॉपर साइज है बाथरूम का भी। और बैक साइड में आपको दिखा देता हूं, ये इसकी बालकनी साइज देख लीजिए। बालकनी साइज, ये जो आपको दिख रहे हैं पेड़, ये पार्क है। और यहां से आप जो देख रहे हैं वो टैंकी देख रहे हैं, टैंकी के बाद से रोड जाती है और यहां से मात्र 500 मीटर पे आपकी मार्केट है, जहां से डोमिनोज से लेके हल्दीराम से लेके सब कुछ खुला हुआ है। तो मार्केट भी पास है, सब चीज पास है। उसके अलावा आपको दो बेडरूम दिखा रहा हूं, 263 गज में बना हुआ है ये। 263 गज में आप एरिया देखो कितना अच्छा निकाला हुआ है, ड्राइंग अलग से निकाला हुआ है, डाइनिंग अलग से निकाला हुआ है, पूजा रूम अलग से निकाला हुआ है। उसके अलावा आपको किचन दिखा देता हूं, आपको किचन का साइज देख लो, प्रॉपर मॉडुलर किचन है, चिमनी से लेके सब कुछ लगी हुई है इसके अंदर में, फ्रिज की जगह छोड़ी हुई है। रुको ना, किचन में पूरी एसेसरी के साथ, पूरी एसेसरी के साथ सब कुछ लगा हुआ है। टोटल मॉडुलर किचन बना के दिए आपको सारी की सारी, ये आप देख सकते हो। और साइज देखो ना, सबसे बड़ा साइज है आपका, डबल डोर फ्रिज भी आ जाएगा, मतलब इतना छोटा कि डबल डोर फ्रिज आएगा आपका। पूजा तो आपने देख ही लिया इसके लिए। अब आप देखो 263 गज के अंदर में स्पेस कितना अच्छा कवर किया है। वो जो बेडरूम था ना, उसको मास्टर भी कह सकते हो, लेकिन एक्चुअल मास्टर बेडरूम ये है, मतलब कि मास्टर बेडरूम, दोनों मास्टर बेडरूम बनाए हैं, चाहे आप उसको बना लो चाहे इसको बना लो। टॉयलेट, उसके अलावा आप कबर्ड देखो, मतलब कि बड़ी अच्छी स्टोरेज, बहुत अच्छी स्टोरेज दी है, आप देख सकते हो। टीवी पैनल आपको लगा के दिया है, सिर्फ आपको एसी लगा के लगाने हैं और आपका रेडी है सब चीजें। अब आपको दिखाता हूं जो 263 गज में थ्री बेडरूम बनता है, लेकिन इसमें आपको स्टडी भी मिल रहा है। तो थ्री बेडरूम और स्टडी भी नहीं है, रूम है प्रॉपर, हम इसको फोर बेडरूम बोल सकते हैं, थ्री टॉयलेट फोर बेडरूम भी बोल सकते हो, नहीं तो थ्री बेडरूम और स्टडी वॉर्डरोब के साथ। और इसके खासियत बताता हूं आपको, जो ये फेसिंग है, ये ईस्ट फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है,
बाहर भी स्टोरेज दी हुई है, आप यहाँ पे वॉशिंग मशीन लगा सकते हो, उधर आपको इधर भी स्टोरेज है, इधर वॉशिंग मशीन लगा सकते हो आप। वॉशिंग मशीन का एरिया बिल्कुल सेपरेट दिया हुआ है आपका, ये वॉशिंग मशीन का एरिया आपका। अब आप देख सकते हो पूरा ईस्ट फेसिंग है ये, मॉर्निंग में सन यहीं से निकलता है सामने से, सामने का व्यू देख लो, प्रॉपर रेजिडेंस है, लोग रह रहे हैं, सारी अच्छी से अच्छी कोठी बनी हुई है, कोई भी हल्के लोग नहीं रह रहे हैं। और बताता हूँ आपको, बहुत कम है जो फ्लैट हैं रूफ राइट के साथ, मतलब कि मैं आपको अभी फोर्थ फ्लोर पे खड़ा हूँ और इसका रूफ राइट के साथ है आपके लिए, ये रूफ राइट के साथ मिल रहा है। तो पूरे बाजार में चेक करोगे तो रूफ राइट के साथ वाले फ्लैट बाजार में बहुत कम है, बहुत कम की अवेलेबिलिटी है। तो मैं आपको रूफ राइट वाला ही दे रहा हूँ, उसके अलावा मेरे पास थर्ड फ्लोर भी सेकंड फ्लोर भी की अवेलेबिलिटी है। सेक्टर 23 में खड़ा हूँ मैं आपको, वो सेक्टर 23 का एरिया आपको पता है, पूरा भरा हुआ एरिया है गुड़गांव के अंदर। और आपको और अच्छी से मैं आपको वीडियो डाल दूंगा, आपको नीचे से भी गेट भी आपको दिखा देंगे, आपको नीचे का एलिवेशन दिखा देंगे आपको, ये है सब चीज। अच्छा, जो मास्टर बेडरूम का है उसके साथ में आपको ये भी दिया हुआ है, मतलब कि आप यहां पर से इधर से भी यूज कर सकते हैं टॉयलेट को। थैंक यू।